हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये है हमारा एक वीडियो जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पार्टनरशिप अकाउंटिंग में फंडामेंटल एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कई सारे वीडियो हम लोगों ने अपलोड करा। आई होप कि आप लोग वो सारा का सारा वीडियो देखे होंगे। तो बेसिकली अगर इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी फर्म में, अगर किसी भी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में किसी नए पार्टनर का जब एंट्री होता है तो उस केस में हम लोगों को क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। और चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो उस केस में किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जब नए पार्टनर का एंट्री होता है तो किन किन अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे। पर उसको जानने से पहले आखिर हम लोग पहले ये समझते हैं कि ये नए पार्टनर का रिक्वायरमेंट होता क्यों। आखिर कोई बिजनेस अगर चला रहा है, मान लीजिए ए और बी दो बंदे मिलकर अगर बिजनेस चला रहे हैं तो उस केस में किसी नए बंदे को ऐड करने की आखिर क्या जरूरत है, आखिर क्यों हम किसी थर्ड पार्टी को अपने बिजनेस में लाए। तो हो सकता है कि उस बंदे के पास एक्स्ट्रा फंड हो, बिजनेस बहुत अच्छा है। मान लीजिए ए और बी बिजनेस चला रहे हैं तो ए और बी पहले से बहुत अच्छा बिजनेस चला रहा था, मगर अब बिजनेस एक्सपेंशन की बात आ रही है। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि अगर कोई बिजनेस ग्रो करता है तो अगर प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसको एक्सपेंड करना है और एक्सपेंशन के लिए फंड का रिक्वायरमेंट होता है। तो हो सकता है कि ए और बी जो पहले से बिजनेस चला रहे हैं उनको फंड का रिक्वायरमेंट है और फंड के लिए वो बैंक को अप्रोच ना करके, बैंक से भी फंड लाया जा सकता है पर बैंक को अप्रोच ना करके वो डायरेक्टली कहां से फंड लाना चाह रहे, किसी एक नए पार्टनर को ला। इससे फायदा क्या होगा? इससे ये फायदा होगा कि सबसे पहली बात तो जो नया बंदा आएगा वो फंड भी लेके आएगा और प्लस वो चूंकि एज अ पार्टनर फर्म में आएगा तो वो कुछ ना कुछ बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करेगा, बिजनेस के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी होगा। जहां पहले सिर्फ ए और बी बिजनेस चला रहे थे, अब सी भी आकर बिजनेस चलाएगा और वो भी अपने एक्सपर्टीज नॉलेज, वो उसके पास जो नॉलेज है, वो जो गेन है, वो अपने बिजनेस के लिए, उस बिजनेस के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रीजन हो सकते हैं और उनमें से कुछ रीजन आपके सामने दिख रहा है। फर्स्ट रीजन क्या कह रहा है, व्हेन मोर कैपिटल इज नीडेड फॉर एक्सपेंशन। जब बिजनेस को फंड की रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेस को एक्सपैंड करने की रिक्वायरमेंट होती है, देन कैपिटल वहां पर जरूरत होगा। तो जब कैपिटल की बात है तो आप नए पार्टनर के थ्रू आप वो कैपिटल अरेंज कर सकते हैं। इससे एक और फायदा है, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, है ना। बैंक हमेशा एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, बट कोई नया पार्टनर आ रहा है तो वो एक तो इंटरेस्ट नहीं लेगा और दूसरी बात, वो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है दैट इज डिफरेंट। बट अगर आप ये भी जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है नॉर्मली, है ना, अल्टीन एंड अनलेस कि ये स्टेटेड है कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि नहीं। तो इस केस में फायदा क्या है कि पहली बात तो पार्टनर जो है नया जो कैपिटल लेके आएगा उसको पे इंटरेस्ट देने का जरूरत नहीं पड़ेगा और वो रिस्क को भी शेयर करेगा। अगर फर्म को लॉस होता है तो उस लॉस को भी शेयर करेगा, तो ये पॉजिटिव पॉइंट हो जाती है। सेकेंड पॉइंट कह रहा, व्हेन कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन इज नीडेड। अब मान लीजिए ए एंड बी पार्टनर है और ए एंड बी को कुछ एक्सपर्ट लोगों का रिक्वायरमेंट है और सी जो है वो एक्सपर्ट है और वो चाहता है उस फर्म में जुड़ना, तो ए और बी को भी एक्सपर्ट का रिक्वायरमेंट है और सी ऑलरेडी एक्सपर्ट है और सी भी जुड़ना चाहता है, तो ये हो सकता है कि फर्म में एक्सपीरियंस्ड पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन को ज्वाइन करने के लिए उसको एज अ पार्टनर बना दिया जाए। नेक्स्ट कह रहा है टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन। फर्म के गुडविल को इंक्रीज करने, रेपुटेशन को इंक्रीज करने के लिए भी नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए और बी बिजनेस चला रहे हैं और ए और बी चाहता है कि अमिताभ बच्चन जो कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं उनको वो पार्टनर के रूप में अपने बिजनेस में लाना चाहता है। तो इससे फायदा क्या होगा, अमिताभ बच्चन के साथ जो गुडविल, जो रेपुटेशन जुड़ा हुआ है वो उस फर्म के लिए कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो नया पार्टनर का जो एडमिशन है वो फॉर रेपुटेशन ऑफ गुडविल, रेपुटेशन एंड गुडविल के लिए भी यूज होता है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, टू इंकरेज द कैपेबल एम्प्लॉय। कभी कभी क्या होता है कि फर्म में हमारे पास कुछ ऐसे एम्प्लॉय आ जाते हैं जो कि बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, बहुत
इफर्ट लगाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं पार्टनर अगर ये फील कर रहा है कि नहीं ये इम्प्लॉय जो है बहुत अच्छा इफर्ट लगा है, तो उसको इंस्पायर करने के लिए, उसके ट्रस्ट को और गेन करने के लिए क्यों ना हम उसको पार्टनर बना दें, तो हो सकता है कि वो और ज्यादा इफर्ट लगाए। तो ये सारे वजह हो सकते हैं आपके पार्टनर के एडमिशन में। अब बात आती है कि सर ठीक है ये तो वजह समझ में आ गया, अब आखिर अकाउंटिंग प्रोसेस में हम लोगों को करना क्या है। तो बाबू अकाउंटिंग प्रोसेस में कुछ कुछ आपको अकाउंटिंग में बता रहा हूं, वो सारे आपको प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो जब भी पार्टनर का एडमिशन होगा, सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। क्योंकि जब मान लीजिए ए और बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है और सी एज अ पार्टनर आ रहा है, तो उसको भी कुछ हिस्सा चाहिए। तो पहले ए और बी था, अब ए और बी और सी है, तो पहले दो बंदे थे अब तीन बंदे हैं, तो कहीं ना कहीं नी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो फर्म का गुडविल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्म का गुडविल कहने का मतलब आपको पता है कि ए और बी पहले से बिजनेस कर रहा है, तो हो सकता है कि ए और बी जो 10 साल तक मान लीजिए बिजनेस चलाया, तो इस 10 ईयर में काफी उन्होंने मेहनत किया होगा अपने फर्म के लिए और बहुत सारे कस्टमर एक्यूमुलेट किए होंगे, और ए और बी के मेहनत के कारण वो कस्टमर उस फर्म में आते हैं, तो उस फर्म का कहीं ना कहीं कुछ रेपुटेशन है, कुछ गुडविल है, तो उस गुडविल को भी कैलकुलेट करना उस समय जरूरत पड़ जाता है। क्योंकि जितना भी मेहनत ए और बी किया है उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए ए और बी को, और वो कंपनसेशन कौन देगा, न्यू पार्टनर दैट इज सी। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल होना चाहिए। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आपको पता है कि पहले से बिजनेस चला रहा है, मान लीजिए ए और बी 10 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था और वो लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा था 10 लाख रुपीज का, आज 10 साल के बाद क्या उस लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू उतना ही होगा? सर नहीं, जाहिर सी बात है बढ़ा होगा। मान लीजिए 50 लाख रुपीज हो गया, तो ये जो 40 लाख रुपीज का इंक्रीमेंट हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है? समय बीतने के कारण। अच्छा, उसमें इन्वेस्टमेंट कौन किया है? ए और बी। तो अगर ए और बी उस बेनिफिट को अगर आपस में नहीं बांटेगा, तो कल को जब सी उस बिजनेस में पार्टनर बन जाएगा, तो हो सकता है कि उस अमाउंट में वो भी कॉन्ट्रीब्यूशन मांगे। तो कहीं ना कहीं ये जो बेनिफिट है सिर्फ ए और बी का है, तो इसलिए रीवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी का, ताकि पता चल जाए कि जिस समय पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उस समय सी ए एसेट्स एंड लायबिलिटीज का क्या वैल्यू है, और हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि टोटल ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। जैसा कि आप लोग लास्ट चैप्टर में रीवैल्यूएशन पढ़े हैं तो उसी से रिलेटेड, पिछले चैप्टर में भी हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करते थे और देखते थे कि ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करेंगे और ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एंड नेक्स्ट आपका, अगर किसी भी तरीके का रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हो सकता है कि फर्म किसी तरीके का रिजर्व बना के रखा है, किसी तरीके का लॉस एक्यूमुलेट करके रखा, किसी तरीके का प्रॉफिट एक्यूमुलेट करके रखा, तो ए और बी सी के आने से पहले ये सारे के सारे रिजर्व और सारे के सारे प्रॉफिट क्या करेंगे, आपस में बांटेंगे। क्योंकि आपको पता है कि रिजर्व कैसे क्रिएट होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का पोर्शन कौन बनाया, ए और बी। तो भाई ये जो प्रॉफिट का पोर्शन है कहीं ना कहीं ये फर्म के लिए फर्म का ही है, और जो क्रिएट कौन किया, ए और बी। तो ए और बी अगर सी के आने से पहले कंट्रीब्यूट आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो होगा क्या, हो सकता है कि सी को भी उसमें हिस्सा देना पड़े, है ना। तो इस वजह से फिर हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड नेक्स्ट हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में बोले कैपिटल एडजस्टमेंट करना, यानी कि पार्टनर्स के बीच में कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा। एंड लास्ट आपको हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको बोले बैलेंस शीट बनाना है। तो ये बेसिकली आपको एडमिशन चैप्टर की बात करें तो बेसिकली यही आपको इस चैप्टर में कैलकुलेट करना है। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, फिर गुडविल कैलकुलेट फर्म का करना सीखेंगे, फिर एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन,
है ना, फिर रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड नेक्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं, फिर उसके बाद बैलेंस शीट का प्रिपरेशन होता है। तो बेसिकली ये एक आपका अकाउंटिंग प्रोसेस होने वाला जो कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और आपको पता है कि इस चैप्टर से डायरेक्ट 8 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, 8 मार्क्स का। दिस चैप्टर कंटेन्स 8 मार्क्स फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके चैप्टर, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके सबको सीखेंगे। तो फर्स्ट आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कैलकुलेशन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे। तो बेसिकली अगर बात करें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब नया पार्टनर आता है तो उसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करके कैलकुलेट किया जाता है। ऐसे तो कई और डिवीजन किए जा सकते हैं, पर हमने इसको 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया। तो सबसे पहला क्लास है व्हेन ओनली रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। सिर्फ पहला केस क्या कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ नए पार्टनर का रेशियो दिया हुआ है। नए पार्टनर का रेशियो दिया हुआ कहने का मतलब, देखिए जैसे ए और बी पहले से पार्टनर है, मान लीजिए 1:1 के शेयर में रेशियो में शेयर करता है। सी एक नया पार्टनर आया और सी बोल रहा है मेरे को 1/6 शेयर चाहिए। बस सी ने बोला कि हम एज अ पार्टनर आपके बिजनेस में आएंगे और सिर्फ 1/6 शेयर लेंगे और कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया। तो यहां पर देखिए क्या लिख रहा है, व्हेन ओनली रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। सिर्फ न्यू पार्टनर का रेशियो अगर आपको दे दिया है तो वो हो जाएगा पहला केस। इसी केस में अगर कुछ वैल्यू एडिशन करें, कुछ एडिशन करें, कहने का मतलब देखिए सेकंड केस क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर, व्हेन न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन स्पेसिफाइड रेशियो, किसी स्पेसिफाइड रेशियो में। जैसे फॉर एग्जांपल सी आया 1/6 शेयर पे, अब सी कह रहा है कि नहीं ठीक है हमको 1/6 चाहिए, मगर हम ये जो 1/6 है ए और बी से लेंगे, मगर किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में लेंगे। तो आप पहले केस में क्या देखें कि ए और बी पहले पार्टनर था, सी आया 1/6 शेयर के लिए और कुछ नहीं बोला। तो इसमें यहां पर सी को कोई मतलब नहीं कि कौन हमको देगा, कितना देगा, बस सी को पैसा चाहिए, कितना चाहिए, 1/6। मगर सेकेंड केस में जो है ये कंडीशन लगा रहा है कि नहीं हम ए और बी से लेंगे, मगर किस रेशियो में लेंगे, 2:1 के रेशियो में लेंगे, 1:1 के रेशियो में लेंगे। तो इस तरीके से भी आपको अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। और थर्ड केस क्या कह रहा है, व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर पार्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ हिज शेयर टू न्यू पार्टनर। जब ओल्ड पार्टनर, पुराना पार्टनर, जैसे कि यहां पर आप समझिए सी का हिस्सा नहीं लिया, बस ये बोला कि ए और बी 1:1 में शेयर करता है, सी आया और सी को बोला ए, चलो ए बोला कि हम अपने 1/2 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का हाफ, ए बोला हम अपने शेयर का हाफ। जैसे मान लीजिए हम और आप पार्टनर हैं, हम 50 रुपए कमाते हैं और आप 40 रुपए कमाते हैं एक साल में, ठीक है, टोटल 90 रुपए हुआ, 50 हम रखें, 40 आप रखें। नया पार्टनर आया और हम उसको बोले कि चलो ठीक है हम अपने शेयर का हाफ। तो हम अपने शेयर का हाफ कहने का मतलब मेरा अगर शेयर 50 रुपया तो मेरा हाफ कितना होगा, 25 रुपए। यानी कि हम अपना शेयर किसको देंगे, नए पार्टनर को, और कितना देंगे, हाफ, हाफ दैट इज 1/2। तो 50 रुपए का 1/2 कितना होगा, 25 रुपीज। तो हम अपना पैसा कितना देंगे, 25 रुपया। आप बोले हम 1/4 देंगे, 1/4 देंगे, दैट इज आप अगर 40 रुपीज कमाते हो तो 40 × 1/4 देंगे, मैं 25 रुपए दूंगा और आप 10 रुपए दोगे, तो उसको टोटल कितना मिलेगा, 35। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता। तो ये एक बेसिक रफ आइडिया था। अब हम तीनों के ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं और कैरी ऑन करते हैं। तो सबसे पहला चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर ए बी एंड सी, 3:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बी एक नया पार्टनर है
जो कि आया ऑन 1/6 शेयर भी है, बस इतना ही। तो ये जो कि सिर्फ 1/6 दे रहा है, तो ये किससे रिलेटेड है? इससे रिलेटेड है। मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि किसी जगह की जरूरत पड़े। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि ए बी सी तीन पार्टनर है, 3:2:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और डी आया एक नया पार्टनर जो बोला 1/6 शेयर चाहिए, और कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया। तो अब इसमें करेंगे क्या, इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि डी को 1/6 देना। तो आपको पता है किसी भी फर्म का जो शेयर होता है वो 100% होता है, राइट? किसी भी फर्म का जो हिस्सेदारी होता है वो 100% होता है। अब आपको पता है जब 100 हटता है तो नीचे कितना आता है, 100 आता है, और 100 से 100 कटेगा तो आप फ्रैक्शन में 100% को फ्रैक्शन में कितना बोल सकते हो, 1 बोल सकते हैं सर, डेफिनेटली 1 बोल सकते हैं। तो आपको बस यही करना है, क्योंकि आपको पता है जैसे हम बोले कि डी आया और 20% लेके चला गया तो बाकी बचा कितना, 80%। मगर यहाँ पे परसेंटेज में जब रहता है तो आसानी हो जाता है समझने में, मगर जब फ्रैक्शन में आता है तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले फ्रैक्शन को इजी टर्म में समझने का कोशिश करेंगे, है ना? तो आपको ये पता चल गया कि किसी भी फर्म का जो शेयर होता है वो 1 होता है। टोटल शेयर कितना होता है, टोटल शेयर जो होता है फर्म का, टोटल शेयर ऑफ फर्म दैट इज 1, ठीक है? तो अब आप डी को पहले देके चला दीजिए, तो सर डी को अगर दे देंगे तो रिमेनिंग शेयर आफ्टर डी, डी के बाद क्या बचेगा, तो 1 - 1/6, 1 टोटल था जिसमें से डी को जो देना था दे दिया, तो बचा कितना 5/6, और इस 5/6 को हम लोग क्या करेंगे, ए बी और सी के बीच में बांट देंगे, क्योंकि डी को तो दे दिए, तो किसके बीच में बांटेंगे, ए बी और सी के बीच में, किस रेशियो में, तो सर जो पुराना रेशियो था 3:2:1 के रेशियो में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 5/6 को ए बी और सी के बीच में बांटेंगे 3:2:1 के रेशियो में। तो अब क्या होगा, ए को एज न्यू शेयर कैलकुलेट करना, तो ए का न्यू शेयर क्या होगा, तो भाई 5/6 में ए को कितना देना है, तो अगर ए का हिस्सा 3 है, अगर ए का हिस्सा 3 है तो इसका फ्रैक्शन में कितना होगा 3/6, इसका होगा 2/6, और इसका कितना होगा 1/6। तो बस हमने करना क्या है, टोटल शेयर है 5/6 जिसमें कि ए को मिलेगा 3/6, तो ये फाइनली आपका बन गया 15/36। उसी तरीके से अगर बी की बात करें तो बी न्यू शेयर 5/6 में बी का हिस्सा कितना है 2/6 इंटू 2/6 10/36, एंड सी की बात करें, सी इज न्यू शेयर, तो 5/6 इंटू 1/6 दैट इज 5/36। तो इस तरीके से हम लोग का ए बी और सी का न्यू रेशियो निकलेगा। अब हमको पता है डी का भी शेयर कितना है, तो सर डी इज न्यू शेयर जो है वो है 1/6। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को अगर रेशियो में कन्वर्ट करना, हमको यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट करना, तो ये तो फ्रैक्शन है, ये तो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट करना है तो उसका डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो अगर तीनों का, इसका 36 है, ये 36 है, और ये 36 है, तो इसको भी 36 किया जा सकता है। और ये कैसे करेंगे, तो अगर ऊपर भी 6 और नीचे भी 6, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो देखो दोनों कट जाएगा और किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं होगा। और अगर बात करें 6 और 6 दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो डिनोमिनेटर जो है वो कितना आ जाता है 36, और ऊपर कितना आ जाएगा 6। तो फाइनली इस तरीके से आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन को। तो रेशियो हमारा क्या बनेगा, 15:10:5:6, 15:10:5:6। तो ये हमारा क्या हो गया, ए बी और सी एंड डी का न्यू रेशियो, दैट्स इट, ठीक है? तो ये हमारा पहला एस्पेक्ट था। नेक्स्ट एस्पेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि डी जो है 1/6 शेयर के लिए आया और
चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। इसमें मान लेते हैं कि दो पार्टनर है ए एंड बी, ए एंड बी नहीं, आप लेते हैं आर और एस, आर एस दो पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5 मान लीजिए, है ना। एंड नया पार्टनर कौन आया, तो सर नया पार्टनर आया है टी, सर कितने शेयर के लिए, तो ये मान लीजिए आप आया है 1/6 शेयर के लिए, है ना, मान लीजिए ये 1/6 शेयर के लिए है। तो मगर ये टी ये भी कह रहा है कि भैया हमको जो ये चाहिए ना, ये इक्वली दोनों से चाहिए, इक्वल रेशियो में चाहिए, किससे, आर और एस से। ये आपके सामने एक क्वेश्चन बन, यहां पर आर और एस पहले से पार्टनर है 7:5 में, नया पार्टनर टी आया 1/6 शेयर के लिए और आर और एस से बोल रहा है कि हमको दोनों से इक्वली चाहिए। तो यहां पर देख रहे हो कंडीशन लग गया, तो जब कंडीशन लग गया तो सब जैसे हम मान लीजिए आप कोई पार्टनर हो और हम आए और हम बोले कि हमको चाहिए 15 रुपये या फिर हमको चाहिए 20 रुपीज चाहिए और हम दोनों से इक्वली लेते, तो आप दोनों कितना दोगे, 10-10 रुपीज दोगे। तो उसी तरीके का यहाँ पर एग्जाम्पल है, अगर टी कह रहा है हमको 1/6 चाहिए और हम दोनों से इक्वली लेंगे, तो 1/6 का इक्वली होता क्या है, पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, एकदम सिंपल है ना, आज शेयर टू टी, आर कितना देगा, तो आपको पता है टी को टोटल चाहिए 1/6, जिसमें कि आर कितना देगा 1:1, है ना, 1:1 में 1 हिस्सा, तो टी को चाहिए 1/6, उसमें आर देगा हाफ, है ना, तो कितना हो जाएगा 1/12। उसी तरीके से एस शेयर टू टी, एस कितना दे रहा है, तो एस भी 1/6 का हाफ ही दे रहा है, तो ये भी 1/12। तो अब हमको कैलकुलेट हो गया कि आर कितना दे रहा है और एस कितना दे रहा है। अब नेक्स्ट हमारा काम बनता है, जैसे हमको पता है कि हम 90 रुपीज पहले अर्न करते थे और आप 70 रुपीज अर्न करते थे, जिसमें कि पता चला कि हम 20 रुपीज दे रहे हैं और आप 10 रुपीज दे रहे हो। तो मैं 90 रुपीज अर्न करता था जिसमें से 20 रुपीज दे रहा हूं, तो माइनस करेंगे तो अब मेरा न्यू, हम जो दे रहे हैं वो 20 है, तो जो बचा न्यू वो कितना बचा, 70। तो क्या किए, पहले जो था उसमें से जितना दे रहे वो क्या किए, माइनस किए, तो न्यू रेशियो निकल गया। तो उसी प्रकार से आपको यहां पर भी करना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, अब न्यू रेशियो निकालेंगे। तो आज न्यू शेयर और आर का न्यू शेयर निकालने के लिए पहले आर का शेयर कितना था, तो 7/15, कितना था 7/15 माइनस आर कितना दे रहा है, आर शेयर टू टी 1/12, ये 1/12 माइनस है। अब इस कैल्सियम लेते हैं, है ना, तो 15/12 कैल्सियम लाइक दिस, 25 को 20 कितना देगा 60 रुपीज, है ना, तो 28-5 इज इक्वल टू आपका टोटल जो आएगा वो बनेगा 23/60। वैसे ही आर और एस, एस न्यू शेयर, एस का न्यू शेयर की बात करें तो आपका आएगा 5/12, इसका कितना है, इसका 5/12 और ये भी बनता है कितना दे रहा है 1/12, कितना दे रहा है 1/12 माइनस किए, सॉरी मिस्टेक हो गया, 7/5 12 हो गया, यहाँ पे ये भी 12 होगा, ये मिस्टेक हो गया हम लोग से। तो एलसीएम कितना होगा 12 एंड माइनस करेंगे तो 7-1 दैट इज 6/12। यहां पर जब एलसीएम लेते हैं तो कितना आ रहा है 5-1 दैट इज न्यू रेशियो है आपका 4/12। तो अब आपको पता है टी की बात करें तो टी न्यू शेयर, सर टी का क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बाबू आपको न्यू रेशियो निकालना है और इसके लिए आपको फ्रैक्शन सबको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो टी का जो न्यू शेयर है वो कितना है, सर 1/6, मगर आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर दोनों का 12 है, तो इसको भी 12 करने के लिए 2/2 कर देते हैं, तो यानी कि कितना आएगा 2/12। तो आप देख सकते हैं तीनों का डिनोमिनेटर जब इक्वल हो गया तो न्यू रेशियो क्या होगा, 6:4:2। अगर इसको और थोड़ा सिंपलीफाई करें तो इट विल कम टू यू 3:2:1। तो आर नाउ यू कैन से आवर न्यू रेशियो बिटवीन आर एस एंड टी इज 3:2:1।
तो ये था हमारा सेकेंड मेथड। और भी कुछ क्वेश्चंस इसमें देखते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा क्लियरिटी मिले, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने दो मेथड पढ़ा, आप हम लोग एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं और जिससे कि आपको और भी क्लियरिटी मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग मानते हैं कि सर तीन पार्टनर है ए बी एंड सी, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से ये लोग शेयर करते थे 3:2:1। अब ये लोग शेयर एज अ पार्टनर बी को एडमिट करना चाहता है 1/8 शेयर के लिए, 1/8 शेयर के लिए एडमिट करना चाहता है। पर बी बोला कि नहीं, हम जो है ए से लेंगे 1/16 फ्रॉम ए से देंगे एंड 1/16 फ्रॉम बी से देंगे। सर बस ए और बी, क्या सी नहीं देगा? हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना हिस्सा ना दे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस केस में जैसे आपको क्वेश्चन बोलेगा बस उस तरीके से परफॉर्म करना। अब आप यहां पे देख रहे हो कि कंडीशन लगा दिया डी कि ए से लेंगे 1/16 और बी से लेंगे 1/16। जैसे मान लीजिए हम एज अ पार्टनर आ रहे हैं और हम बोले हमको 20 रुपया चाहिए, तब हम काम करेंगे आपके यहाँ, और हमको 10-10 रुपया दोनों से चाहिए। तो आप देख रहे हो 10 रुपया एक पहला पार्टनर देगा, दूसरा पार्टनर 10 देगा, तो टोटल मेरे पास 20 हो जाना चाहिए। तो उसी प्रकार से अगर डी बी को ए से मिल रहा है 1/16 एंड बी से भी मिल रहा है 1/16, ए से मिल रहा है 1/16 एंड बी से भी मिल रहा है 1/16, तो इसको जब आप सम करते हैं तो 1+1 दैट इज 2/16, तो आपका जो ये क्या आ जाता है 1/8 आ रहा है। यानी कि ये समझ में आ रहा है कि बी को जो है ए और बी से 1/16 एंड 1/16 मिलेगा और टोटल फाइनली बी को कितना मिलेगा 1/8 ही मिलेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो जब आपको पता चल गया कि 1/16 ए देगा और 1/16 बी देगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई जरूरत ही नहीं है टेंशन लेने का। आपको पता है ए न्यू शेयर निकालने के लिए क्या करना है, तो ए का जो पहले था उसमें से जितना दे रहा वो माइनस कर दीजिए, मतलब जितना भी दे रहा है। हम आप अगर 90 रुपए कमाते हो, हाँ हम आपको बोले कि नया पार्टनर को आप 20 रुपए दे दो, तो क्या करोगे? न्यू रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आपका नया हिस्सा क्या होगा? तो 90 में से 20 माइनस कर दिए, जो दे रहे हो वो माइनस कर दो। तो सिंपल यहां पर भी वही ए न्यू शेयर कैसे निकलेगा, तो 3/6 पहले से है माइनस 1/16 जो वो दे रहा है। बी न्यू शेयर कैसे निकलेगा, तो 2/6 इसका पहले से है माइनस 1/16, इसका भी सॉल्व करेंगे। सी न्यू शेयर, तो सी का जो न्यू शेयर है ये तो बेचारा कुछ नहीं दे रहा, तो इसका 1/6 था 1/6 ही रहेगा। और डी न्यू शेयर जो है वो कितना है, तो डी का वन न्यू शेयर जो है वो 1/8 है। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 16 और 6 का 48, 48 एंड 48 अगर आ रहा है तो 24-3 इट विल कम टू यू 21/48। अगर इसकी बात करें तो 48 एंड 16-3 इज इक्वल टू 13/48। अब आप देख रहे हो ये 48 है ये 48 है, तो इन दोनों को भी आपको क्या करना पड़ेगा, 48 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको 48 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8/8 से डिनोमिनेटर को 48 करना है, तो 8 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। तो 48 से करने के लिए तो 8/48 आया एंड इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 6/6 से करेंगे तो 6/48। तो फाइनली अगर सबका डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया तो अब हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, 21:13:8:6। तो हमारा न्यू रेशियो जो हो जाएगा 21:13:8:6। ये एक हमारा नया वैरायटी था जो कि आपके सामने हम लोगों ने रखा। नेक्स्ट एक और वैरायटी देखते हैं ताकि आपको और थोड़ा क्लियरिटी मिले। तो इसके लिए एक और एग्जांपल एज्यूम करते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, मान लीजिए एक्स और वाई दो पार्टनर है, एक्स और वाई दो पार्टनर है
इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3, है ना, 4:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जे एक नया पार्टनर आया 20% के लिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है 20%, और ये कह रहा है कि हम ये जो हिस्सा है एक्स और वाई दोनों से लेंगे, एक्स और वाई दोनों से लेंगे, आप किस रेशियो में लेंगे 1:2 के रेशियो में लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ पर चूंकि हम लोग सारा काम फ्रैक्शन में करते हैं तो ये अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो उसको एक फ्रैक्शन में करेंगे, तो आप यहाँ पर 20% और परसेंट जब हटता है तो नीचे कितना आता है 100, इसको जब कट करेंगे तो आएगा 1/5, यानी कि जेड को कितना हिस्सा चाहिए 1/5। तो यही एक नया पॉइंट था यहाँ पर, ये जो 20% है ये एक्चुअली क्या आपके लिए 1/5 है, और ये जो 1/5 है वो कौन देगा, एक्स और वाई देगा। तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा एक्स शेयर टू जेड, एक्स अपना कितना हिस्सा जेड को देगा, क्योंकि जेड को चाहिए 1/5, जिसमें एक्स बोल रहा है 1/3 देंगे, तो 1/5 का 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x कितना दे रहा है 1/15 दे रहा है। उसी तरीके से y शेयर टू z, तो y का हिस्सा कितना है 2, तो 2/3 इट विल कम टू 2/15। तो हमको पता चल गया कि x कितना दे रहा है और y कितना दे रहा है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, x का न्यू शेयर निकालना, क्योंकि x कितना दे रहा है पता चल गया, तो अब हमको सिंपली क्या करना माइनस करना, तो x न्यू शेयर इज इक्वल टू पहले से कितना इनका 4/7 माइनस ये कितना दे रहे हैं 1/15 y न्यू शेयर 3/7 माइनस 2/15, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं 16 माइनस 7, तो कितना आएगा 53/105। इसको सॉल्व करते हैं तो 45 माइनस 14, 31/105। एंड जेड की बात करें तो जेड न्यू शेयर हम लोगों को पता है कितना है 105 है, तो इसको भी 105 करना, और 105 को करने के लिए अगर 21/21 से मल्टीप्लाई कर दे तो 21/5 105 होता है कि नहीं, हाँ सर 105, तो ये कितना हो गया 21, तो न्यू रेशियो जो है वो आपका कितना हो गया 53:31:21। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि आप सभी को ये जो भी मैंने मेथड्स बताए आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो आप अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरीके का सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमें हम तक पहुंचाएं, हम आपके सारे कमेंट्स को देखते हैं और सारे कमेंट्स का चेंजेस, सारे कमेंट के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस होना चाहिए वो मैं चेंजेस करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।